भारतीय जनता महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा शालिनी राजपूत जगदलपुर जनसंपर्क दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने महिला मोर्चा के पदाधिकारियों से मुलाकात कर बैठक की और कई मुद्दों पर चर्चा की। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने भविष्य की रणनीतियों को लेकर महिला मोर्चा के सदस्यों के साथ बात की। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद शालिनी लगातार प्रदेश के अलग अलग संभागों का दौरा कर रही हैं। दौरा करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा करेंगी। प्रदेश मीडिया प्रभारी विवाह अवस्थी ने बताया कि शालिनी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और बेहतर रणनीति बनाए जाने को लेकर चर्चा कर रही हैं। इस दौरान महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष दीप्ति पांडे ने कहा, भारत को पहचान दिलवाने में विवेकानंद जी का बड़ा योगदान रहा है, उनके मार्ग पर हम सब चलकर भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद सरगुजा क्षेत्र और बिलासपुर संभाग, ये दो संभाग में दौरा कार्यक्रम हो चुका है और ये तीसरा दौरा है महिला मोर्चा का बस्तर संभाग। और बस्तर संभाग का दौरा कार्यकारिणी जो आने वाले समय में बनाना है उस परिप्रेक्ष्य में संगठनात्मक दौरा। पार्टी का संगठन हमेशा मजबूत रहा है और उसी की देन थी कि कार्यकर्ताओं के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और आने वाले समय में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और महिला मोर्चा का अग्रणी भूमिका भी है और बनेगी हमेशा, और संगठन हम सब मिलकर मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।